ओम साई राम में पूनम आओ साई चंद के तरफ से देख रहे हो ये सहरसा का इसको मस्तगंधा का मंदिर इसका नाम है और मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर से ये बनाया गया है मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है ये। ये बहुत बड़ा सारा गिटार है और उसके गिटार के अंदर में जो है सरस्वती माता विराजमान है और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ कुआं है पास में, देख सकते हैं कुआं पूरा भरा हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो है लक्ष्मी माता का मंदिर है यहाँ सहरसा में। ये बहुत ही जो है बड़ा मंदिर है और अच्छा लगता है, इसकी डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी है आप देख रहे हो। बहुत ही सुंदर मंदिर है, इस मंदिर के अंदर सब जो है भगवान विराजमान है आप देख रहे हो। ये राधा कृष्ण है, रुक रुक रुक। यहाँ पे जब भी पूजा होती है तो यहाँ पे हवन होता है आप देख रहे हो, यहाँ हवन का बना हुआ है। यहाँ पे सारे जो है आपको भगवान मिलेंगे। ये बजरंगवाली का मंदिर है, यहाँ पे छोटा छोटा मंदिर सब भगवान के लिए बनाया गया है देख रहे हो आप। ये पीपल का पेड़ है और आप देख सकते हैं पानी में बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से बनाया गया है ये। अभी तो पानी थोड़ा सा सूख गया और गंदा भी हो गया देख रहे हो। वहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है, बहुत ही बड़ा मंदिर है ये। अब इसको क्या चढ़ा रहे हम जल्दी से बना रहे वीडियो ने। वो भोले बाबा का मंदिर था और ये जो है माता रानी का मंदिर है। तो बहुत ही मैं बाहर से आपको दिखाऊंगी कि बहुत बड़ा ही जो ये मंदिर है इसलिए। उसका पैर दुखेगा, आप वहाँ लेके बैठिए ना, हमारे पैर दुखेगा इसका। और मेन जो जैसे गेट पे घुसते हैं फिर मंदिर आता है, बहुत बड़ा काली माता का मंदिर है। इसी के अंदर सारा ये मंदिर आप देख रहे हो, ये काली बीच में काली माता विराजमान है। और ये जो है ये भी आप देखो, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ आने के बाद बहुत सुकून सा मिलता है और बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ से हर समय अपन ऑटो से हम लोग आते हैं और 15-20 मिनट का जो है रास्ता है आप देखो। धूप भी इतना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आपको मैं दिखाती हूँ, काली माता का जो मेन मंदिर है वहाँ वीडियो नहीं बनाने देता है इसलिए मैं वहाँ बना नहीं सक रही अच्छे से। ठीक है, देख रहे कि ये बहुत ही सुंदर जो है डिजाइनिंग किया हुआ मंदिर का।
ये भैरव बाबा का मंदिर है। जो ये रास्ता है इधर से जाने के बाद इधर से निकला जाता है, मगर अभी बंद हो चुका है कुछ दिनों से। बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ घूमने आएंगे तो बैठेंगे मंदिर में, बहुत ही अच्छा। बैठने का भी बहुत जगह आप देख सकते हैं, पूरा खाली खाली रहता है मंदिर। मंगलवार की माता की पूजा होती है तो मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और ये जो है मेन गेट है, और यहाँ पे फूल के भी गाछ इतने अच्छे अच्छे लगाए हुए हैं कि मंदिर ही पूरा बहुत अच्छा लगता है। देखो, और ये मेन गेट है, इसमें से पानी का झरना निकलता है तो और भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख रहे हो बहुत अच्छे अच्छे फूल होते हैं, मगर अभी नहीं फूल और रखे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ बहुत सारे फूल खिल जाते थे। बहुत बड़ा मंदिर है तो मैं घूमते घूमते वापस गई। भोलेनाथ का मंदिर है, आज के दर्शन करो अच्छे से। ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत ही प्यारा है। बहुत बड़ी जगह में ये मंदिर बना हुआ देख सकते हो आप। जब फूल जब हो जाता है इधर सारा फूल खिल जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो सूखा सूखा सा है। इधर सुनिए, बहुत पुराना है इसलिए इस तरह का हो चुका है। मैं, मेरे पति, मेरी बेटी आई हुई है, ये रही जो घूम रही है। बेर बेर बोल रही है बहुत ही सुंदर मंदिर है मम्मी, बहुत ही सुंदर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ। करुणा लेकर के आ नहीं रही थी इस मंदिर में तो मैं आज आई हूँ। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। मैं कहीं पे भी जाऊँगी तो आपको जरूर दर्शन कराऊँगी साईं भक्तों, और अपने अपने परिवार के साथ इसी तरह खुशी से रहिए। सभी को ओम साई राम। और आपने देखा होगा बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप कमेंट में बताना कि आपको मंदिर कैसा लगा। आप कमेंट करते तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबका प्यार ही सपोर्ट मुझे बाबा को हर घर घर पहुंचाने में मदद करेगा। सभी को ओम साई राम।